हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने। आज हम बनाएंगे एक बेस पिज़्ज़ा। इंग्रेडिएंट देख लीजिए। हमने लिए हैं दो अंडे बेस बनाने के लिए, और लगेगा नमक, मिर्ची पाउडर और टमाटर, चीज़ लिया है, धनिया, प्याज और पिज़्ज़ा की चटनी ली है, पिज़्ज़ा सॉस। और हमें टॉपिंग्स के लिए लगेगा ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, और ये ऑलिव्स लिए हैं, और ये पनीर के टुकड़े लिए हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा फ्राई करके इसमें चिली पाउडर डाल दी है, और ये टोमेटो सॉस, ये ओरेगानो, और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, और बटर ले लिया है। सबसे पहले हम ये दो अंडे ले लेते हैं। और इसमें थोड़ा कटा प्याज एक चम्मच, और टमाटर एक चम्मच, और धनिया, और थोड़ी ग्रीन रेड चिल्ली और नमक डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अब हम गैस चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम बटर डाल देते हैं। और उसमें हमने दो फेटे हुए अंडे डाल दिए। इस तरह से इसे फैला लीजिए। अभी इसको होने देते हैं। ये पिज़्ज़ा का सॉस है, वो हमने घर पे बनाया है, तो ये भी हम बताएंगे कि हमने कैसे बनाया है। अभी इसे पकने देते हैं थोड़ा। अभी ये अच्छे से हो गया है, हम इसे आराम से पलट देते हैं इस तरह, और गैस बिल्कुल कम कर देंगे। अभी इसमें हम और नहीं तो बंद कर देंगे। पहले हम पूरी चटनी, पिज़्ज़ा सॉस, ये बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, रोज़ मैदे का पिज़्ज़ा खाने से अच्छा तो ये एक बेस पिज़्ज़ा खा सकते हैं, रोज़ भी दे सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को भी पसंद है, तो ये हेल्दी पिज़्ज़ा हम दे सकते हैं। अच्छे से हम चटनी लगा देंगे इस पर। और टमाटो सॉस डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है, बाद में शुरू करूंगी, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा बेस जल जाएगा। अभी हम डालते हैं चीज़ भी बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। हमारा पिज़्ज़ा एकदम हेल्दी हो जाएगा। इस तरह से हम जितना भी हम चीज़ डालें वो कम ही पड़ता है। इस तरह से अच्छे से हम चीज़ डाल देते हैं। हमने गैस अभी भी बंद करके रखा है ताकि हमारा बेस जल ना जाए। अभी हम इस पर टॉपिंग्स करते हैं। आपको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैंने थोड़ी लाल शिमला मिर्च ले ली है ताकि अच्छा दिखे। इस तरह से अभी येलो शिमला मिर्च डाल रही हूँ।
इस तरह से। अभी ग्रीन आप अपने पसंद से छोटे छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं, आप अपने पसंद से कुछ भी कर सकते हैं इसके ऊपर, वो आपकी पसंद है, जैसा कुछ करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। अभी हमने पनीर भी लिए हैं, पनीर के टुकड़े भी डाल देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छा लगे। और यह आप बच्चों को रोज दे सकते हो, बिल्कुल आपको मैदे वाला पिज़्ज़ा बच्चे मांगेंगे ही नहीं। इस तरह से जैसे बाजार में मिलता है उस तरह से ही बनाएंगे, लेकिन हेल्दी बनाएंगे। और ये ऑलिव्स डाल रही हूँ, ऑलिव्स इस तरह से होता है, इसे हमने काट के तीन टुकड़ों में काट दिया है तो ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। जो बच्चे जिम जाते हैं वो तो रोज ही खा सकते हैं इसे। इस तरह से अभी हम इसमें पिज्जा सिजलिंग डालेंगे। ओरिगैनो डालेंगे ताकि एकदम बाहर जैसी टेस्ट आ जाएगी। अभी हम गैस चालू कर देते हैं। ताकि हमारा नीचे का बेस भी हो जाए और थोड़ा बटर डाल देते हैं। साइड साइड से डालिएगा। आराम से इस तरह ताकि हमारा बेस नीचे से भी अच्छे से पक जाए। और ये ढक्कन रख देते हैं ताकि हमारा चीज मेल्ट हो जाए। निकाल देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर से हम और चीज डाल देंगे इसके, इस तरह चीज हमारा पूरा मेल्ट हो गया है। हम ये सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं और हमारा पिज्जा रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।